कर देना, जो आएगा इस तरफ घूम कर जाए, ठीक है। इधर किसी को भी इधर बताओ ना भैया, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ जाओ, जितने माताएं आएंगी, हाँ जितने माताएं आएंगी ना उनको बोलना उस तरफ आओ, और जितने कपड़े बनाने सब उधर दे, ठीक है। सामने किसको आने पर दिया, और आप लोग भी थोड़ी थोड़ी आगे आगे बैठ जाओ, पीछे सबके सब बैठ जाओ। बड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इतने में कृष्ण को मैया दूध पिला रही थी, कौन दूध पी रहे हैं, ठाकुर जी पी रहे हैं। मैया जसोदा कृष्ण को बारंबार चुंबन कर रही थी, और कृष्ण जब दूध पी रहे थे, मैया के हृदय तो आनंद में खिल रहा था, आनंद में हृदय गदगद हो रहा था। उधर उन्होंने चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी, इतने में वो दूध धीरे 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 ऊपर ऊपर करके चूल्हा में गिरने जा रहा था। कृष्ण मैया बोली लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, दूध ऊपर रहा है। बोले क्यों, अभी मैंने आधा पेट दूध पिया, अभी पूरा पेट दूध पिला करके हमें फिर गोद से ऊपर उतारे। मैया सोच रही है इधर दूध भी उफन रहा है, उधर पूत भी उफन रहा है, दोनों उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले मेरे स्तन में जो दूध लाला उनको कभी पिला सकता हूँ, अगर दूध अगर उफन करके चूल्हा में गिरता है ना, बच्चे का मंगल होता है, और उसी में ही मलाई बनती है, और उसी से ही बनती है मक्खन। इतने में भैया बोले लाला थोड़ी सी उतर जाओ, नहीं मेरे को भर पेट दूध पिला करके जा। जो कुछ मिले सब फेंक फांक देते हैं। इतने में मैया कृष्ण ने क्रोधित होकर के बोले, मटकी इतना बड़ा था बोले पलट दू, पकड़ करके ऐसे हिलाए, लेकिन उसे टच से मस भी नहीं हुआ। कृष्ण के 3 साल के और मटकी मटकी है, उसे समय का लोग बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े लोग कितना साल हो गया, 5,000 साल के लोग वो लंबे चौड़े होते थे। जब किसी तरह से मटकी को उन्होंने पलट नहीं पाए, वहां पर पड़ा हुआ था क्या है, जिसे मसला पीसते हो ना, उसको उठाया पत्थर को और मारे मारे तो मटकी फूट गई और बन गया था छान, और धीरे धीरे छान के पीछे निकल रहा था, और कृष्ण देख रहे खुश हो रहे, मैंने मटकी छोड़ दी, मैंने मटकी छोड़ दी। फिर सोचे मैया आएगी, अगर देखा मटकी फूट गई ना, डंडा एक नीचे नहीं सब पट पीठ के ऊपर पड़ेगा। फिर तो कृष्ण दूसरे घर में गए, उखलों के ऊपर खड़े हो गए, खड़े होकर के मक्खन को उतार करके बंदर कौओं को खिला रहे, बोले इधर आ जाओ लो मक्खन खाओ। बोले क्यों, बोले ये बंदर कौन है, बोले हनुमान की बंसधर है। बोले रामलीला में मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं खिला पाया, अपना हाथों से खा करके तुम लोग ने जिद किया, लो मक्खन खाओ। और ये कौए कौन है, बोले काक भुसुंडी के बंसधर। ये काक भुसुंडी क्या करती है, ये काक भुसुंडी भगवान की नित्य निरंतर प्रभु राम की कथा सुनाते हैं, प्रभु शिक्षा देते हैं, जो मेरी कथा सुनाते हैं ना उनको मक्खन खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इसलिए हम भी तो भक्त लोगों को घर घर बुलाते हैं ना, लोग हमें भी बड़ी मिठाई खिलाते हैं, हरे कृष्ण। अभी इतने में मैया जसोदा हरे कृष्ण माता है, ए भैया वो हमारे थाला रख लो, जो पैसा देते हैं ना उसमें रख लो, इधर किसका आने मत दिया करो, इधर किसका आने नहीं करो, मतलब कोई कोई पर दे, कोई पर सब कैसे कोई पर दे। बस वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में मैया जसोदा थोड़ी देर में आई, देखा घर में पूरा मटकी फूटी हुई, घर में छाछ छाछ बट्ठा बट्ठा फैला हुआ है। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले क्यों, पहले जितने पात्र सब मिट्टी में हुआ करता था, पीतल सिल्वर अलग स्वाद होता है। प्रेशर कुकर नहीं, पहले प्रेशर कुकर नहीं होता था, इसलिए प्रेशर कुकर भी ठीक नहीं है। आप देखना स्वाभाविक रूप में धीरे 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 कोई चीज
हैं सिद्ध ऊपर सिद्ध होते होते भोग को सकती और प्रेशर का सब सब अलग होगा, एक देश नहीं होगा। इसलिए मैया ने देखा कितने ये मेरी सांस की समय की हरे कृष्ण जितने माता है सब कुर्सी में बैठ रहे ना, पीछे कोई एकदम पीछे जाकर बैठो सामने, क्यों बहुत भक्त लोग आते हैं पर बैठ नहीं पाते, जितने माताओं को पीछे कर दो, जितने कुर्सी में बैठे हैं उनको पीछे कर दो, नहीं तो इतने भक्त लोग आते हैं जो कथा नहीं सुन पाते हैं, अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जितने माताएं कुर्सी में बैठी है सिवा ये सारे माताओं को पीछे कर दो, जितने कुर्सी में बैठे हुए फिर इधर लोग बैठे बीच में जो ना बीच में लगा ले।